नमस्कार दोस्तों, आपके सामने एक बार फिर लेकर के हाजिर हैं करंट अफेयर्स का बिल्कुल ताजा तरीन अपडेट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसा कि आपने पेपरों में आज पढ़ा होगा कि ये कल यानी 23 सितंबर को प्रभात तारा मैदान रांची झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक चयनित परिवारों को लाभ पहुंचाया जाएगा, जिन्हें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ बीमा योजना के तहत उनको किसी भी अस्पताल में, चयनित अस्पताल में अपना इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। 10 करोड़ से अधिक जो चयनित परिवार हैं उनके फैमिली मेंबर्स, यानी लगभग अनुमान लगाया गया है 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी रखना चाहते हैं, उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां पर आपको एक स्लाइड शेयर का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिए और उसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। 3 पेज का हमने वो डिटेल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो डिटेल हमने तैयार किया है उसको वहां पर अपलोड कर दिया है, जिससे आप इसको भविष्य में अपनी सुविधा अनुसार पढ़ने के लिए इसको सुरक्षित अपने पास रख सकें। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और इसके बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका नाम, इसको दूसरे नाम से भी जाना जा रहा है, इसको आयुष्मान भारत योजना के भी नाम से जाना जा रहा है। भविष्य के को ध्यान में रखते हुए इसका नाम जो PMJAY, ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी गलती हो जाती है, PMJY कह देते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा, लेकिन ये है PMJAY, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको दूसरे नाम से यानी आयुष्मान भारत योजना के भी नाम से जाना जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, यानी 5 लाख रुपए के हेल्थ बीमा वाली स्कीम आयुष्मान भारत 23 सितंबर से लॉन्च हो गई है, यानी कल से रांची में लॉन्च हुई है। रांची यानी झारखंड की जो राजधानी है, किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY जो हमने अभी अभी बताया कहते हैं। इससे जुड़ने के लिए देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने को तैयार हो गए हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहा गया है 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो अभी इस योजना से नहीं जुड़ रहे हैं। तो वे कौन कौन से राज्य हैं, ये भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए उसको भी हम अभी थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर या अभी ही हम आपको बता दे रहे हैं इसको कि 4 राज्य जो नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं वो है दिल्ली, उड़ीसा, तेलंगाना और पंजाब। उनके शामिल ना होने का कारण जो है वो या तो ये राज्य कह रहे हैं कि हमें इस तरह की योजना हमें दीजिए और हम खुद इसको अपने हिसाब से अपने राज्य में लागू करेंगे, और या तो फिर जैसे पंजाब है, पंजाब में इस तरह की योजना चल रही है। आपको मालूम है कि ये चारों ऐसे राज्य हैं जो लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनमें अलग अलग सरकारें हैं, ये भी एक राजनीतिक कारण भी है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके चीफ हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, यानी बीजू जनता दल की सरकार है। तेलंगाना में आप जानते हैं, उसके
वाई राजशेखर रेड्डी की सरकार है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। तो एक राजनीतिक कारण भी है इन चारों राज्यों के इसमें शामिल ना होने का। तो इनके अपने राज्य में खुद की अपनी योजना चाहते हैं, तो इसलिए ये शामिल नहीं हो रहे हैं। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 10.74 करोड़ लोगों को विशेष पत्र भी लिख रहे हैं। इस पत्र में योजना से जुड़े लाभों को की जानकारी होगी। इसका 60% वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी और 40% वित्त पोषण राज्य सरकार करेंगे। यानी जिस राज्य में ये योजना लागू होगी उसे केंद्र के साथ सबसे पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा, और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत सुविधा जो है वो राज्य सरकार प्रदान करेगी, लेकिन वित्त पोषण 60% केंद्र देगा, 40% राज्य को संसाधन अपने मन से अपने आप से जुटाना होगा। तो चालू वित्त वर्ष में सरकार के ऊपर इससे लगभग अनुमानित है ये 3,500 करोड़ रुपए का बोझ आने का अनुमान लगाया गया है। कौन कौन इसमें लाभ पाने के हकदार होंगे, तो चलिए हमने अभी बताया कि 10.74 करोड़ परिवार इसके हकदार होंगे, इसके लाभ पाने के हकदार होंगे। और आपको जो बताया था कि 10.74 करोड़ परिवार हैं, परिवार एक परिवार में कितने सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है कितने भी परिवार के सदस्य हो सकते हैं, बस शर्त है कि वो गरीबी रेखा से नीचे हों। और ये गरीबी रेखा का पैमाना 2011 को माना गया है, यानी 2011 की जो आर्थिक जनगणना जो जनगणना हुई थी उसमें एक कालम बढ़ाया गया था, आर्थिक और जाति का कालम बढ़ाया गया था, यानी उस समय आर्थिक और जाति के आंकड़े भी इकट्ठा किए गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों बस उन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया था, लेकिन उन्हीं को आधार बना करके आज सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो इससे 50 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा, यानी परिवार तो 10.74 करोड़ है, लेकिन जो लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है वो लगभग 50 करोड़ से ऊपर है, यानी 40% आबादी को मेडिकल कवर मिलेगा। एक चीज आपको यहाँ और बता दें हम कि जो ये योजना है इसे विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही है। इसको सरकार ने कहा है कि ये 28 देशों की आबादी से ज्यादा लाभार्थी इसके होंगे। यानी योजना की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अगर हम पश्चिमी यूरोप की बात करें तो 28 यूरोपीय देशों की कुल आबादी इससे कम होगी, यानी इतने लोग 50 करोड़ का लगभग अनुमान लगाया गया है, यानी 28 यूरोपीय देशों की अगर कुल आबादी को जोड़ लिया जाए तो भी इसके लाभान्वित होने वाले लोगों के बराबर नहीं पहुंच रही है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की आबादी से भी ये अधिक है। यानी अगर हम इसके सिर्फ लाभ लेने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाएं तो वो तीन देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की आबादी से भी अधिक लोग हैं। इसके अंतर्गत 2500 अस्पताल 3 वर्षों में गांव शहरों में खोले जाएंगे, ये खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1300 से ज्यादा बीमारियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि 1350 प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकेगा इस योजना के तहत जो सरकार ने चिन्हित किए हैं। पहले से बीमार व्यक्ति भी इस योजना के दायरे में आ सकेंगे। और एक चीज आपको यहाँ बहुत खास रूप से बता दें कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो ओपीडी में, यानी आप अगर जाकर के जो पर्चा बना करके अस्पताल में दिखाते हैं जिसको ओपीडी कहते हैं, वो कवर नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर भी अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ओपीडी में दिखाना चाहते हैं तो उसके अंतर्गत सरकार ने 1.5 वेलनेस सेंटर पर ओपीडी की सुविधा ली जा सकती है। इतने 1.5
वेलनेस सेंटर, लाख मिलियन वेलनेस सेंटर सरकार खोलने की योजना बना रही है और उस पे जाकर के इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हमने अभी अभी आपको बताया था कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर एक समस्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये समस्या अनुमानित है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2011, कोई भी परिवार 2011 के आंकड़ों में जनगणना के समय अगर वो गरीब के रूप में चिन्हित हुआ था तो उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन अगर 2011 के बाद वो किन्हीं कारणों से गरीब हुआ है तो इस योजना के अंतर्गत उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। ये एक इस योजना की फ्ला है। तो हमने आपको पहले से ही बताया कि परिवार के आकार या उम्र को लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है, पहले से चली आ रही बीमारियों को भी इसमें कवर दिया जाएगा, एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च भी दायरे में आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस यानी अगर मरीज को आप घर से लेकर के अस्पताल जाते हैं और अस्पताल से लेकर के फिर वापस घर जाते हैं तो वो भी इसमें शामिल होगा, लगभग सभी मेडिकल प्रोसीजर इसके तहत कवर होंगे, कवर से बाहर की निगेटिव लिस्ट बहुत छोटी होगी। और आपको बता दें कि जो हमने जनगणना की बात की थी, जो लाभ लेने वाले लोगों की बात की थी, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसका नाम दिया गया था, उसके हिसाब से ग्रामीण इलाके की आबादी को डिप्राइव 1, डिप्राइव 2, डिप्राइव 3, डिप्राइव 4, डिप्राइव 5 और डिप्राइव 7, D1, D2, D3, D4, D5, D7 के तहत कैटेगराइज किया गया है, उनको बांटा गया है। 8.3 करोड़ जो परिवार होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, 2.33 करोड़ परिवार जो होंगे वो शहरी क्षेत्र के होंगे, यानी इस योजना में सबसे ज्यादा ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर के इस योजना को तैयार किया गया है। शहरी इलाके में 11 पूर्व निर्धारित पैसे कामकाज के हिसाब से लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। वो कौन कौन से पैसे हैं? शहरी इलाके में भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले यानी जो घरों में जाकर के चौका बर्तन और घरों में नौकरी करते हैं घरेलू नौकर के रूप में, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, बिल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति इसमें शामिल किए गए हैं। तो अब इस योजना की थोड़ी सी हम चर्चा और आपको कर दें कि जो योजना है 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, 60% केंद्र, ये हमने आपको पहले ही बताया है, 2,000 करोड़ रुपए उपलब्ध करा चुका है केंद्र 2018-19 के बजट में। बीमा कवर के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है और ना ही परिवार के आकार को लेकर के कोई बाध्यता रखी गई है कि परिवार कितना छोटा या कितना बड़ा होना चाहिए। और पिछले एक दशक में अस्पताल में जो मरीज भर्ती कराने के खर्च हैं वो लगभग 300% बढ़े हैं। इलाज के लिए मरीज अपने जेब से 80% भुगतान करते हैं। लोगों को इस खर्च के बोझ से बचाने के लिए सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया। इस स्कीम के तहत 25 विशेष श्रेणी में कुल 1,354 मेडिकल और सर्जिकल पैकेज मौजूद हैं, जैसे कैंसर का इलाज, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हृदय से जुड़ी दिक्कतें यानी हार्ट अटैक वगैरह से जुड़ी दिक्कत जो हार्ट से रिलेटेड है, स्टंट डालना हार्ट का ही पार्ट है, दिमागी ऑपरेशन यानी जो न्यूरो का केस है, दांतों का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन, MRI, CT स्कैन जैसे विशेष टेस्ट को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। और क्या व्यवस्था है इसमें? इसके अंतर्गत 68% जो है इलाज के लिए जो परिवार अपनी आय पर निर्भर करते हैं उनको शामिल किया गया है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 60 लाख परिवार
हर साल इलाज के कारण अपनी खेती बाड़ी बेच देते हैं। उनको ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है कि वो उनको अपनी खेती बाड़ी बेचना पड़ता है और वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, यानी जो 60 लाख हर साल ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसे लोगों को इसमें विशेष रूप से लाभ देने का प्रयास किया गया है। अब आपको बता दें कि विदेशों में इसको लेकर के क्या है। आपको याद होगा कि एक मार्च 23 मार्च 2010 को ओबामा ने, बराक ओबामा ने अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने एक योजना शुरू करी थी। उसका नाम था द पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर, PPAC, पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर, PPAC। 23 मार्च 2010 को उन्होंने शुरू किया था और उसको अफोर्डेबल केयर एक्ट 2010 नाम दिया गया था। इसको ओबामा केयर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत 98% आबादी को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की गई थी। इसके तहत अमेरिका की सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी के स्तर से 4 गुना अधिक आय वालों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सब्सिडी मिलती है, जबकि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है। कि हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को ये सुविधा मिल रही है जो 2011 की जनगणना में गरीबी रेखा के नीचे हैं, और यहाँ पर अमेरिका में उससे जो 4 गुना अधिक आय वाले हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया गया था। कुल लगभग 25 मिलियन लोग को उन्होंने हेल्थ कवरेज देने का टारगेट रखा है 2020 तक। और 2014 से जब इसकी शुरुआत पूर्ण रूप से इसकी शुरुआत की गई थी, तब से अब तक 17 मिलियन लोग इससे जुड़ चुके हैं। ब्रिटेन में सभी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है। 16 साल से कम उम्र और पिछड़ों का इलाज मुफ्त होता है। अन्य लोगों को इलाज के बाद सामान्य टैक्स के रूप में पैसे चुकाने होते हैं। इस सुविधा में कुछ बदलाव हुए हैं जिसके बाद दवा और दांत के इलाज में पैसे चुकाने पड़ते हैं। फ्रांस में यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा प्रणाली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसमें राज्य सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य सेवाओं का भुगतान नहीं किया जाता। सामान्य चिकित्सा में 70% और दवाओं में 100% तक बीमा से कवर किया जाता है। हांगकांग की पोजीशन ये है, प्रारंभिक स्वास्थ्य शिक्षा, पेशेवर स्वास्थ्य सेवाएं और पूरी तरह विकसित स्वास्थ्य देखभाल और दवा प्रणाली है यहाँ पर। यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस के ऊंचे मापदंड होने की वजह से यहाँ पर ये बहुत सक्सेसफुल है। दक्षिण अफ्रीका में थोड़ी स्थिति गड़बड़ है। क्या है, यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली देश की ज्यादातर आबादी को सुविधाएं देती है, लेकिन निजी क्षेत्र की तुलना में धन और कर्मचारियों के अभाव में ये थोड़ी सी वहां पर समस्याओं से जूझ रही है। तो अब एक बार मैं आपको इसके जो खास खास बातें हैं उसको फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। वो खास खास बातें हैं कि परिवार के आकार और उससे सदस्यों की संख्या और उम्र सीमा की कोई बाध्यता नहीं है। सभी लेन देन कैशलेस होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें इलाज कराने के लिए भर्ती होने से लेकर के डिस्चार्ज होने तक कहीं पर भी कोई नगद भुगतान करने की जरूरत नहीं है, यानी कैशलेस व्यवस्था है। लाभार्थी को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है, यानी वो अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखा करके अपना इलाज करा सकते हैं। यह योजना पूरी तरह से पेपरलेस व आईटी आधारित है। इसमें निजी बीमा कंपनियां, ट्रस्ट, सोसाइटियां और मिश्रित मॉडल बीमा को शामिल किया गया है। इसे देश और राज्य की स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी भी इस स्कीम में फायदा ले सकेंगे। अब आपको थोड़ा सा हम उत्तर प्रदेश के बारे में बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में इस योजना को केंद्रीय गृह मंत्री श्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के जो माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में इसको लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में।
इसमें इसको कहा गया, इसका टैगलाइन दिया गया था, यूपी में उत्तर स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, इसका टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा, उत्तर स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, यानी उत्तम स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश टैगलाइन है इसका। इसमें 1350 तरह की मेडिकल पैकेज, सर्जरी, दवाइयां और जांच शामिल हैं। बालिकाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को इसमें वरीयता मिलेगी। बेसहारा, आवासहीन, भूमिहीन, दिव्यांग, श्रमिक, दुर्बल आय वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग योजना के पात्र होंगे। 13,000 सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज होगा। पहले से कोई बीमार है तो भी उसका इलाज होगा। तो इस तरह से सरकार ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो सपना देखा था हमारे ऋषियों ने, उसको इस संकल्प को इस शताब्दी में पूरा करने की चेष्टा करते हुए इस योजना को किसी धर्म या जाति पर आधारित न करके सबका साथ सबका विकास पर इसको केंद्रित किया हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट के माध्यम से इसमें कमेंट देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।